आजादी के आंदोलन के दौरान अनेक ऐसे अवसर आए थे जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिसके माध्यम से वह भारत की राजनीति में स्थापित हो सकते थे, लेकिन उससे इतर उन्होंने सदैव क्रांति का मार्ग चुना। आजादी के आंदोलन के दौरान अनेक ऐसे अवसर आए थे जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिसके माध्यम से वह भारत की राजनीति में स्थापित हो सकते थे, लेकिन उससे इतर उन्होंने सदैव क्रांति का मार्ग चुना। देश के प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रभक्ति का भाव पैदा हो और हम सब अपनी राष्ट्रीयता के मार्ग का अनुसरण करते हुए नेशन फर्स्ट के इस भाव को सदैव अंगीकार कर सके, वह सदैव इस बात के पक्षधर थे, न केवल भारत के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर अनेक देशों में रह करके, जर्मनी है, जापान है, सिंगापुर है, इन सभी देशों में, दुनिया के तमाम देशों में रह करके वहां के भारतवंशियों के साथ मिलकर के भारत की आजादी का अलग जगाते रहे।